शू सोल जूते का निचला हिस्सा होता है जो जमीन के सीधे संपर्क में आता है, जो कि तलवों को प्राकृतिक रबर चमड़े, पॉलीयुरेथेन और पीवीसी सहित विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। सामग्री शैली और इस्तेमाल पर निर्भर करती है। आमतौर पर जूते में जाने वाला यह पहला हिस्सा होता है। यह जूते को टिकाऊ और लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। फुटबॉल, सॉकर, गोल्फ में इस्तेमाल किए जाने वाले शूज आसानी से मिट्टी में फंस जाते हैं, इसलिए ट्रैक्शन प्रदान करने के लिए शू सोल लगाए जाते हैं। बास्केटबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल और रॉक क्लाइंबिंग के लिए पहने जाने वाले जूतों में रबर के तलवे होते हैं जो अधिक पकड़ प्रदान करते हैं। साइकिल चलाने वाले जूते बहुत सख्त और मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में बढ़ती जागरूकता, एथलेटिक गतिविधियों में वृद्धि परिणाम स्वरूप फुटवेयर मार्केट में वृद्धि हो रही है। इसीलिए आज मीडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं शू सोल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री। इस व्यवसाय में लगने वाले रॉ मटेरियल्स और मशीनरी कुछ इस प्रकार है। रॉ मटेरियल्स: पॉलीयुरेथेन प्लास्टिक, कैनवास क्लॉथ, लाइनिंग, रबर कंपाउंड, इंक और कलर्स। प्लांट एंड मशीनरी: पीवीसी ड्रिपिंग मशीन, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, वैक्यूम फोमिंग, ऑटोमेटिक बेस फिलिंग मशीन, ओवन। प्रोसेस: प्रोसेस की शुरुआत मोल्ड को भरने से होती है, जहां एक मशीन कलर को मोल्ड में फिल करती है, फिर इस बने हुए मोल्ड को ओवन में बेक किया जाता है। बेकिंग के बाद एक मशीन पीवीसी प्लास्टिक को मोल्ड में फिल करती है, फिर एक बार मोल्ड प्लेट को ओवन में रखकर बैक किया जाता है। अंत में इन मोल्ड प्लेट को पानी में ठंडा करके सोल को निकाला जाता है। तो इस तरह शू सोल बनाए जाते हैं। इस बिजनेस की अधिक जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे ही नई बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।